नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर शहरवासियों ने उन्हें किया याद। विधायक सरयू राय तथा जिला भाजपा ने प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर किया माल्यार्पण। वैश्विक महामारी के बीच सरकार के दिशा निर्देश पर 6 माह बाद खुला धार्मिक स्थलों का पट। श्रद्धालुओं ने पहुंचकर की पूजा अर्चना। आगामी जनगणना में सरना धर्म कोड लागू किए जाने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान करेगा आंदोलन। पहले चरण में 15 अक्टूबर को देश के 5 प्रदेशों में किया जाएगा चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इधर जमशेदपुर में भी जयप्रकाश नारायण के अनुयायियों ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। जमशेदपुर के मानगो पुल पर लगे जेपी के प्रतिमा पर भाजपा और सरयू राय की पार्टी भाजपो के सदस्यों ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर भारतीय जन मोर्चा के संयोजक सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जेपी को याद करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का जनक बताया। उन्होंने बताया कि जेपी का पूरा जीवन संघर्षों में बीता। जेपी जब चाहते प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता के साथ रहकर युवाओं और समाज के लिए काम करना ही अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया। सर्वोदय से लेकर संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने देश को दिया और नई राह दिखाई। आपको बता दें कि सरयू राय भी जेपी आंदोलन के ही उपज रहे हैं और शुरू से ही वे अपने जीवन में जेपी के आदर्शों को अहमियत देना जानते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने भी जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। ये प्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है और अपने जीवन में लगातार संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना। वे इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, अवसर मिला था उनको, उन्होंने ठुकरा दिया और जनता के साथ मिलकर नवयुवकों के भविष्य के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। फिर मार्क्सवादी थे, आरंभिक जीवन में गांधी जी के साथ आए, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोदय के रास्ते पर गए। जीवन के अंत में खुद ही आगे आकर उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उसके पीछे युवा वर्ग और समाज सभी इस कदर इकट्ठा हुए कि भारत की सत्ता का परिवर्तन हो गया। जैसे कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उनकी सरकार जो बदल गई, तो एक परिवर्तन के बाहर ये प्रकाश जी हैं। अच्छी दिशा में परिवर्तन कहा जा सकता है और हम लोग उनके आंदोलन में से ही सार्वजनिक जीवन में आए हैं, इसलिए उनके प्रति श्रद्धांजलि देना, उनके प्रति अपने आदर सम्मान का भाव व्यक्त करना, यही आज हम लोग यहाँ आने का उद्देश्य। लोकनायक जयप्रकाश जी को आज याद करने आए हैं, उनके पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन कर उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी चलने का शपथ दे रहे हैं। जो लोकनायक जी ने आपातकाल के समय आंदोलन छेड़ा था, उसे हम याद कर रहे हैं कि किस प्रकार लोकनायक जी की जो आंदोलन थी वो चला करती थी, उसे हम सभी कार्यकर्ता स्मरण करते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के बाद उपजे हालात को देखते हुए केंद्र सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन के तहत देश भर के मंदिरों एवं सार्वजनिक स्थलों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया था। वैसे 7 महीने बाद धीरे धीरे अब देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इधर झारखंड में भी सरकार की ओर से जनजीवन सामान्य किए जाने को लेकर समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। इधर आज से राज्य भर के धार्मिक स्थलों के पट खोले जाने का निर्देश जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद जरूरी एहतियात बरतने का भी दिशा निर्देश दिया गया था। वहीं मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के पट खोलने का निर्देश मिलते ही पुजारियों एवं धर्म गुरुओं के साथ भक्तों एवं श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। त्योहारों के बीच मंदिरों के पट खोलने से भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। वैसे राज्य में कोरोना का कहर
अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जरूरी एहतियात के साथ जनजीवन सामान्य बनाने को लेकर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसका सभी स्वागत कर रहे हैं। गाड़ी 10 दिन पहले लिए थे और 7 महीने से मंदिर बंद थी, तो इंतजार कर रहे थे मंदिर खुलने का। आज मंदिर खुला है तो अपनी गाड़ी पूजा कराने आए हैं। गाड़ी भी पूजा कराऊंगी और आज माता के दर्शन भी हो गए हैं। 7 महीने से मंदिर बंद था और घर पे पूजा होती थी, पर आज मंदिर खुलने की भी खुशी है और अपनी गाड़ी की पूजा भी कराएंगे। मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे कि आज मंदिर खुल जाएगा तो पूजा कराने आएंगे। वर्ष 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के कदमा स्थित आवास में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड के लिए 3 बड़े संगठनों के द्वारा संयुक्त जन आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत आगामी 15 अक्टूबर को 5 प्रदेश झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में चक्का जाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा एवं 6 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कहा कि भारत देश में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत लगभग 15 करोड़ प्राकृतिक पूजक आदिवासी को सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए अब करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन करने पर मजबूर हो गई है, ताकि 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड शामिल हो जाए और भारत के आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा संभव हो सके। सरना धर्म कोड हम भारत के आदिवासियों के लिए हमारे अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी, भाषा, संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है और यह संवैधानिक मौलिक अधिकार का मामला भी है। हम लोगों ने 15 अक्टूबर को झारखंड में चक्का जाम सरना धर्म कोड के लिए जो कार्यक्रम लिया गया है, आदिवासी सैयल अभियान उसमें साथ देगा। इसके अलावे आदिवासी सैयल अभियान बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में भी सरना धर्म कोड के लिए कार्यरत है। हम लोग वहाँ भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय मिल बैठ के और बड़ा आंदोलन करेंगे, ताकि 2021 की जनगणना में जो अभी पहुँचने वाला है उसके पहले हम लोग झारखंड और बाकी राज्यों में, बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी सभी आदिवासियों को एकजुट करके हम लोग सरना धर्म कोड के बारे में एक बड़ा निर्णायक आंदोलन खड़ा करेंगे। उसके लिए आज की एक बैठक जो हुई है, मैं कहूँगा सफल हुई है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह सरयू राय गुरुवार को पूरे एक्शन में नजर आए, जहां उन्होंने जमशेदपुर सर्किट हाउस में शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें क्षेत्र के स्कूलों से संबंधित परेशानियों एवं समस्याओं से संबंधित डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सरयू राय ने जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से सरकारी स्कूलों में पठन पाठन को लेकर क्या समस्याएं आ रही है, साथ ही स्कूलों के लिए आवंटित फंड का किस तरह प्रयोग किया जा रहा है, इसका पूरा विवरण मांगा है। वहीं सरयू राय ने जिले के उपायुक्त से उनके विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाली कंपनियों के CSR के तहत किए जा रहे खर्चों का भी ब्यौरा मांगा है। जयपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में जितने सरकारी विद्यालय प्राथमिक हैं या उच्च विद्यालय हैं, उनकी स्थिति क्या है, पढ़ाई कैसी हो रही है उसमें, और उसमें जो ढांचा है, कितने कमरे हैं, कहाँ कमरे मरम्मत नहीं होने से कहाँ से खराब हो रहे हैं, कहाँ शौचालय है, कहाँ बाउंड्री है, ये सब का रिपोर्ट हम ले रहे थे। रिपोर्ट दिया है लोगों ने, और रिपोर्ट देख के लगता है बहुत ख़राब हालत है हमारे यहाँ जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी। तो मैंने यही कहा है इन लोगों से कि इसको बेहतर कैसे बनाएं, आप इसका सुझाव दीजिए और जितनी कमी है वो कमी को हाईलाइट करिए। कोई हम लोग ऐसे रिपोर्ट नहीं मांग रहे हैं किससे आपकी रेटिंग बढ़ने वाली है, हमको कमियाँ चाहिए, जितना से अधिक कमी बताइएगा, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग किसी न किसी रूप में प्रयास करेंगे।
जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले सरयू राय ने बिहार चुनावों में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है, जहां उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 41वीं पुण्यतिथि के मौके पर सरयू राय ने यह भविष्यवाणी की है। सरकार तो आएगी एनडीए के हाथ में, नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर सभी दलों में कुछ ऐसे लोग हैं जो टिकट से वंचित हुए हैं, पहले भी वंचित होते रहे हैं, तो इन पार्टियों को चाहिए कि उसको समेटे और कई जगहों पर अच्छे उम्मीदवार नहीं है वहाँ जनता अगर विकल्प के रूप में किसी दूसरे को देती है तो उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। कई जगहों से हम लोगों के लिए एक खबरें आ रही हैं और समय निकाल कर जमशेदपुर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा था। ये कार्य विगत 6 माह से बंद था, लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू हो गया है। परिवहन विभाग द्वारा डीटीओ और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 16 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस पहले की तरह ही बनेंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पहले की तरह काफी संख्या में स्पॉट नहीं होंगे, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम संख्या में स्पॉट पर ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात अफसर व कर्मी मास्क पहनकर काम करेंगे, वहीं जरूरत के मुताबिक हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट देने वाले लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। परंतु अभी लेटेस्ट सरकार के दिशा निर्देश आया है कि दिनांक 16 तारीख से जो है ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें जो है टेस्ट वगैरह में या फिर लोगों को जहां आने की ज़रूरत पड़ती है वहां कम से कम उनको आना पड़े और आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसको सुनिश्चित कराते हुए ड्राइविंग लाइसेंस का निर्गत करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें जैसे टेस्ट होता है तो टेस्ट में भी जो है साफ़ सफाई और वहाँ पे जो है जो भी पदाधिकारी कर्मी रहेंगे वो मास्क के साथ सैनिटाइजर के साथ रहेंगे और वहाँ भी अगर लाइन लगती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, ऐसा निर्देश प्राप्त है। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था टीम संघर्ष परिवार के द्वारा लगातार शहर के लोगों को प्लाज्मा डोनेशन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। विगत दिनों आदित्यपुर की संस्था नरेंद्र मोदी फैंस क्लब के संरक्षक खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोरोना को मात देने के बाद उन्होंने जमशेदपुर ब्लड बैंक में पहुंचकर प्लाज्मा डोनेट किया। गौरतलब हो कि व्यापक पैमाने पर टीम संघर्ष द्वारा प्लाज्मा डोनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही इनके द्वारा लोगों को ब्लड बैंक लाकर प्लाज्मा डोनेट भी करवाया जा रहा है। इस संस्था की सहयोगी संस्था नरेंद्र मोदी फैंस क्लब के संरक्षक खुद विगत दिनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद उनका इलाज हुआ और उन्होंने कोरोना को मात दे दी। मेडिकल प्रक्रिया और समय पूरा किए जाने के बाद उन्होंने ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया। टीम संघर्ष ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जमशेदपुर ब्लड बैंक के लिए और पूरे जमशेदपुर के लिए गर्व की बात है। टीम संघर्ष परिवार के सहयोगी संस्था नरेंद्र मोदी फैंस क्लब आदित्यपुर के संरक्षक श्रीमान सतीश कुमार शर्मा जी, जो रक्तदान के मामले में तो हजारों रक्तदाताओं को जागरूक अभी तक कर चुके हैं और पूरे झारखंड एवं बिहार में रक्तदान के मामले में तृतीय स्थान पर रहने वाली संस्था के संरक्षक श्रीमान सतीश जी, विगत 17 दिन पूर्व ही उनका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आया था और अपने सभी सुरक्षा मानदंडों को सावधानी पूर्वक निभाते हुए जो 14 दिन का सुरक्षा चक्र होता है उसको पार कर आज 17वां दिन जमशेदपुर ब्लड बैंक में पहुंचकर कोरोना से ग्रसित मरीज अस्पताल में भर्ती है। उनके अंधेरा रूपी जीवन में दिया जलाने का काम करने के लिए आज सतीश जी ने अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया। पूरा जमशेदपुर ब्लड बैंक एंड टीम संघर्ष परिवार की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं श्रीमान सतीश शर्मा जी। सरायकेला जिला मुख्यालय में वन अधिकार को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिले के उपायुक्त ने की।
इस दौरान वन विभाग के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, जहां सभी ने बारी बारी से वन अधिकार कानून के तहत जानकारियां साझा की। वहीं इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा भाजपा नेत्री रितिका मुखी ने उठाया, जहां उन्होंने जिले के गम्हरिया थाना से 1 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग के जमीनों के अवैध खरीद बिक्री का मामला जोर शोर से उठाया। वैसे जिले के उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में भाजपा नेत्री ने बताया कि वनों की रक्षा के साथ वनों से मिलने वाले कंदमूल को बेचकर अपनी जीविका चलाने की आदिवासियों में परंपरा रही है। ऐसे में भू माफिया वन विभाग के जमीनों को बेचकर आदिवासियों और उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने में लगे हैं। उन्होंने जिले के उपायुक्त पर आस्था जताते हुए जल्द ही ऐसे भू माफियाओं पर नकेल कसने की बातें कही। आज वन अधिकार के ऊपर बैठक था, इसमें हमारे उपायुक्त महोदय भी शामिल थे। मैंने वन को बचाने के विषय को लेकर बातें कही थी। हमारे गम्हरिया थाना के पास में 1 किलोमीटर दूर सारा वन विभाग बिक जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मूल निवासी जो कभी भीख नहीं मांग सकते और जो हमारा दिनचर्या चलता है यहाँ के साल का दातुन बेचकर या खाली ज़मीन पर ऊपर मैंने कुछ बोकर उसको बेचकर, तो अगर ये वन विभाग ख़त्म हो जाए या बिक जाए तो कैसे जीवन यापन करेंगे। तो हम बस इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, क्योंकि गरीब जनता जो एक मुश्त पैसे देकर वो ज़मीन बेचती है और फिर कल वन विभाग आकर ये कहती है कि ये अतिक्रमित जगह है, तो वो मूल निवासी हमारे जो लोग हैं वो गरीब जनता कहाँ जाएगी। तो किसी तरह से भी इसको रोकथाम करना है, और मुझे लगा कि ये सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है आज, इसलिए मैंने सोचा कि उपायुक्त महोदय को कहा जाए, इस पे अगर वो कोई एक्शन लेते हैं और रोकथाम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सहायता। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण के कारण इस बार दुर्गोत्सव को बड़े ही सादगी और छोटे रूप में संपन्न करवाया जाएगा। शहर के प्रसिद्ध कासीडी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा काफी छोटे रूप में पूजा को संपन्न करवाया जा रहा है। गौरतलब हो कि शहर के बीचों बीच हमेशा ही कासीडी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा निर्मित पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन कोरोना काल के कारण इस बार बहुत ही छोटे रूप में पूजा को संपन्न करवाया जाएगा। काफी छोटे और सामान्य पंडाल का निर्माण कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, जहां कमेटी के कुछ ही चुनिंदा लोग शामिल होकर माता के पूजा को संपन्न करवाएंगे। वहीं पूजा कमेटी के संरक्षक ने कहा कि पंडाल में श्रद्धालु ना आए, क्योंकि कोरोना काल के कारण यह आवश्यक है कि आप भीड़ से बचें और शहर को कोरोना मुक्त रखने में सहयोग करें। इस बार हम बिल्कुल ही सादगी के साथ बिना ताम धाम के इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन हम कर रहे हैं, और उसी के तहत एकदम छोटा सा पंडाल, कोई थीम का पंडाल नहीं, कोई ताम धाम नहीं, कोई विद्युत व्यवस्था नहीं, पंडाल के अंदर तक ही हमारा पूजा सीमित है। इस बार का पूजा सार्वजनिक पूजा ना होकर पारिवारिक पूजा में उसे तब्दील किया गया है। पूरे मैदान को हमने सील किया करने का एक प्लानिंग किया है कि पूरे मैदान सील करेंगे। कोई भी बाहरी व्यक्ति, जमशेदपुर की जनता को हमने स्पष्ट आग्रह कर रहा हूं और इस बार क्षमा प्रार्थी हूं कि आप इस बार काशीडी ना आए, क्योंकि काशीडी में 14-15 लोग कोरोना के संक्रमण काल से, वैश्विक महामारी के काल से, वे उनका देहांत हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं के भी 5-6 परिवार जो है इसमें शामिल है। आज हमारे काशीडी में 10-12 परिवार उजड़ गया है, तो इससे भी हम लोग मर्माहत हैं। कोई भी तोरण द्वार नहीं, कोई भी विसर्जन यात्रा नहीं, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं। परिस्थिति में हमने स्पष्ट बस्ती के लोगों को भी अपील किया है कि आप लोग भी हमारे पूजा में ना आए। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के गुरुद्वारा लाइन में कोरोना संक्रमित पाए गए होम क्वारंटाइन लोगों द्वारा खुलेआम कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब मानगो नगर निगम की टीम होम क्वारंटाइन किए गए मरीजों का सैंपल कलेक्ट करने गुरुद्वारा रोड पहुंची, जहां टीम के सदस्यों ने पाया कि मानगो पेट्रोल पंप के समीप स्थित गिरीश चनाचूर होटल के लिए बड़े पैमाने पर यहां डब्बे बनाए जा रहे हैं।
शक होने पर इन्होंने होटल में भी छापेमारी की, जहां इन्होंने पाया कि होम क्वारंटाइन पर रखे गए लोगों द्वारा होटल के लिए डब्बे बनाए जा रहे हैं और उन डब्बों को यहां लाया जा रहा है। निगम के अधिकारियों ने तत्काल होटल और गोदाम को सील करते हुए होटल के सभी कर्मचारियों का स्वैब कलेक्ट किया। वहीं निगम प्रशासन कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई करने में जुट गई है। इसी दरमियान में हमारा ये गुनमय कॉलोनी में क्या नाम है सर, एक व्यक्ति है जो पॉजिटिव पाया गया था। 3 तारीख को उसके घर को सीलिंग की गई है और फिर हम लोग 1 वीक के बाद आज मेडिकल टीम लेकर के आए थे इसके जांच कराने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि घर के ही अंदर वह व्यक्ति मिठाई का डिब्बा बना रहा है और वह डिब्बा गिरीश चनाचूर होटल जो है पेट्रोल पंप के बगल में मानगढ़ चौक के पास वहाँ पर जाता है। उससे हम लोगों ने पूछा तो उसने कहा कि नहीं, हम अभी भेजे नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को शक हुआ कि यह डब्बा वहाँ ही भेजा है। इसलिए आज हम लोग उस होटल को भी जा करके और होटल में कुल 7 व्यक्ति स्टाफ थे सबों को हम लोगों ने जांच करवाया और उस होटल को भी हम लोगों ने सील किया और फिर इस व्यक्ति को भी जाँच करके और यहाँ भी सील कर मालिक पे इस पर जो हमारा कोविड-19 का सोची कार्रवाई होनी चाहिए और इस संदर्भ में हम अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।